हाँ जी नमस्कार भाइयों, नमस्कार। क्या हाल है? मैं बलजीत रंधावा जी, जैक्स जनरेशन पिग फार्म। कैसे हो आप सभी? आज दिखा रहे हैं आपको अपना नया फार्म, जो भगवान की दया चल रहा है। और ये देखिए बीच में फीमेले, जो आप देख सकते हो ये सारी प्रेग्नेंट फीमेले हैं। डिलीवरी भी हुई चुकी है वो यहाँ तक। ये 50 बाई 150 फुट का फार्म है। और जैसे मैंने आप सबको पहले बताया था, भी स्ट्रगल करोगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बिना स्ट्रगल के कामयाबी मिल जाएगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं है भी अगर जो आपने सीखा वहीं तक सीमित हो गए, उससे आगे आपको खुद जाना पड़ेगा, फिर जाकर कहीं बढ़िया पिग फार्म आप चलाओगे। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बढ़िया जानवर है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जो मेरे दोस्त पिग फार्म करना चाहते हैं, जो चाहते हैं हम पिगरीज में प्रॉफिट लें, वो भाई साहब सबसे पहली बात तो प्रॉपर ट्रेनिंग लो, कहीं से भी लो, नॉलेज लो। ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद फार्म बनाना कैसे है आपको उस ट्रेनिंग सेंटर में बताया जाएगा। फीड के फार्मूले आपको बताए जाएंगे, कैसे फीड सस्ती बनानी है। जो मेरी गारंटी है 15 रुपए की फीड आपको पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है भाई साहब। जो भी मेरे पास स्टूडेंट आता है उसको मैं ऐसे सिस्टम बनाकर देता हूँ, क्योंकि हम किसान हैं भाई। ठीक है, अपने खेतों में हम स्ट्रगल कर मेहनत कर अनाज पैदा कर लेते हैं, और उस अनाज से क्या क्या सी कैसी प्रकार की फीड हमने बनानी है वो भी मैं जानता हूँ। ठीक है, ये अपना दिमाग है, इसको जितना यूज़ करोगे आप बढ़िया रहोगे। और आपको जो मैं गारंटी दे रहा हूँ भी, जो फीड है वो आपकी फीड 15 रुपए तक ही पड़ेगी, जो फार्मूला आपको मैं लिखवाऊंगा। इसीलिए अगर काफ़ी बंदे बोलते हैं ट्रेनिंग सेंटर से लूट रहे हैं ये वो, अगर ट्रेनिंग सेंटर से ही काम चलता तो फिर हमें ये माल लेने की क्या ज़रूरत थी, हमें पिग फार्म करने की ज़रूरत क्या थी भाई। एक किया एक से दूसरा, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता, बंदे को किसी ना किसी के साथ मिलकर ही करना पड़ता है, अकेला बंदा बड़ा नहीं होता। ठीक है जी, और उसके बाद बढ़िया तरीके से फार्म चलाओ, बढ़िया तरीके से आपको फार्म चलाना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से फार्म की केयर करनी पड़ेगी, फीड सस्ती करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप वो यही पता नहीं भी फार्म में जो हम पशुओं को फीड डाल रहे हैं उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, वो फीड बनानी कैसे है, उस फीड का खर्चा कैसे कम आएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप देखते हो इसी फार्म में मैं अभी जो बैच लगा रहा हूँ, अपने स्टूडेंट मेरे यहीं सीखते हैं, आते हैं यहाँ प्रैक्टिकल करते हैं। ये 40 फीमेलें हैं, 40 फीमेलों तो क्या 10 फीमेलों का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये 40 फीमेलें हैं, और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी बच्चे भी हैं, और भी प्रेग्नेंट फीमेलें हैं, गिल्टे भी हैं। ये सब भगवान की दया है भी, जो भगवान ने हमें आगे बढ़ाया और काफ़ी ज़्यादा तरक्की दी। लेकिन इसके लिए भाई करना पड़ेगा, खुद को साबित करो। ऐसा नहीं है भी आपने किसी की कामयाबी देखी उसके ऊपर कमेंट छोड़ दिए, ये देखो जी ये कर दिया वो कर दिया। कामयाब बनो, कुछ कर कर दिखाओ। जिस दिन मैंने फार्म शुरू किया तो उस दिन मेरे पास भी सिर्फ एक बच्चा था, मैंने सिर्फ एक जानवर से बोर से काम शुरू किया था। एक बोर पहले एक सान लेकर आया बढ़िया नस्ल का, फिर उसके बाद मैंने माल डाला, 3 फीमेलें फिर 4 फीमेलें, तब जाकर धीरे धीरे करते करते भगवान ने नाम दिया, ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, और उसके बाद पिगरी में भी प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर आप चाहते हो भी आप भी एक कामयाब फार्मर बनो, तो लोगों को देखो, देखने के बाद कामयाबी उनकी देखने के बाद जलसी फील मत करो, खुद को साबित करो भी हम भी कर सकते हैं। उससे सीखो, ना कि उनसे आपको जलसी फील करनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए भी ये यार कैसे कामयाब हुआ, हम भी इससे फ़ोन करेंगे, इससे पूछेंगे और हम भी कामयाब होंगे। ऐसा नहीं है भी उस बंदे से हमने उसकी कामयाबी देखकर, एक कामयाब इंसान कामयाब खिलाड़ी, जहाँ किसी एक समझदार आदमी ने कहा था भी जो कोच होता है वो ज़रूरी नहीं है भी वो कोच अर्जुन अवार्डी हो या गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी हो, जरूरी ये है भी उसने कौन सा स्पोर्ट्समैन तगड़ा किया, कौन से बड़े स्पोर्ट्समैन को अपने देश की शान बनाई, उसको सिखाया, इस लायक बनाया भी अपना देश का नाम ऊंचा कर सके। कौरव देखो कौरवों की गिनती कितनी थी और लंका कितनी बड़ी थी रावण की, लेकिन 5 पांडवों ने कौरवों को हराया था, और उसके बाद लंका
को श्री रामचंद्र जी ने कैसे रावण की लंका तहस नहस कर दी थी। क्यों? क्योंकि जज्बा था और उनमें हिम्मत थी। अगर आप चाहो भी 2500 या 2000 या 1500 हजार सूअरों से आदमी बड़ा बन सकता है, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जिसके पास इतने सूअर होंगे वो खुद काम नहीं करता होगा, ये मेरी गारंटी है 101%। उसकी लेबर को उसके मालिक से ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि सारा दिन वर्क वो करते हैं। फार्मर कामयाब वो है, वो फार्मर बढ़िया है, वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा जो अपने 50 या 70 या 100 फीमेलों के बीच खुद वर्क करता है। स्टूडेंटों से आप पूछ लेना, मैं नंबर देता रहता हूँ स्टूडेंटों के भी, मैंने खुद अपने हाथों से फार्म धोता हूँ, वॉश करता हूँ, फीड डालता हूँ, पूरी मैनेजमेंट कल चलाता हूँ, मैंने कोई लेबर नहीं रखी। यहाँ भी कोई लेबर नहीं है, इस फार्म को आप देख रहे हो, जहाँ भी हैप्पी है और वरिंदर है, मेरा भतीजा है, एक मेरा साला है, दोनों फार्म की मैनेजमेंट देख के ये सब कर रहे हैं। ये यहाँ पर सारे जानवरों को उनकी केयर, फीड कैसे डालनी है, सफाई आप देख सकते हो, ये सब वो ये दोनों करते हैं। और अगर कामयाब बनना है, अगर जेबों में हाथ डालकर आप अफसर की तरह फिर गए तो पिगरी में कामयाबी नहीं मिलेगी। और मैं उन छोटे किसानों से, छोटे फार्मरों से ये ज़रूर बोलना चाहूँगा भी भाई, हर एक को देखकर पिगरी के चक्करों में मत पड़ो। अगर पिगरी करनी है पहले प्रॉपर नॉलेज लो, सीखो किस प्रकार काम शुरू करना चाहिए, वो आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए भी आपने बच्चों से शुरू करना है या फीमेलों से शुरू करना है, किस प्रकार काम करना है, ये आपको पूरी उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप पिगरी के बिजनेस में अपना किस्मत आजमाना। अगर आपने पिगरी करनी है, अपने पिग फार्म करना है, तो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, आपको बताया जाएगा भी किस प्रकार आप पिग फार्म कर सकते हो। स्टूडेंटों के नंबर मैं देता रहता हूँ, जो भी स्टूडेंट मेरे से सीखता है, मेरे पास आता है, उन सब के स्टूडेंटों में नंबर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा बैच है वो 21 जनवरी से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगा, जिसमें आपको फीस सुनकर भी हैरानी होगी, 7000 फीस में रहना खाना और ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। 7000 में आप सब समझदार हो भाई साहब, 7000 में रहना और खाना विद ट्रेनिंग कौन देगा भाई साहब आपको? आज के ज़माने में महंगाई का ज़माना देख लो खर्चा कितना है, आपको कोई नहीं इस रेट में आपको ट्रेनिंग कोई नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात है इसी फार्म में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एक सरहंद में अपना फार्म है और ये हमारा जो नया फार्म किया हमने, ये अपना बड़ा फार्म है, ठीक है, वहाँ भी आपने सारी मैनेजमेंट, सारी जितनी भी फार्म की केयर है आप सभी स्टूडेंट खुद करोगे। अगर करना है खुद करो, मेहनत करो, लगन के साथ करो, और थोड़े दिन में आपको हम एक सेटअप दिखाएंगे भी किस प्रकार फीड सस्ती कर डाल सकते हैं। दलजीत रंधावे को दी इजाज़त, आपको अगर YouTube के ऊपर आपने सर्च करना है तो मेरा जो इसका नाम है ट्रेनिंग सेंटर का, आप जैक्स जनरेशन पिग फार्म भरो, आपको मेरा नाम, लोकेशन, वीडियो सब मिल जाएगी। YouTube के ऊपर भी अगर गूगल मैप के ऊपर करोगे तब भी मिल जाएगी। मोबाइल नंबर मेरा 9877094830 है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो कोई भाई आना चाहता है वो आ सकता है। धन्यवाद भाई, थैंक यू।